गोंडा अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी बलिदान दिवस समारोह तैयारियों का गुरुवार को डीएम डॉक्टर उज्जवल कुमार ने फांसी स्थल व लाहिड़ी पार्क में चल रही तैयारियों का निरीक्षण किया। मौके पर जेलर शिवप्रताप मिश्र व डिप्टी जेलर एसके त्रिपाठी से हवन शांति पाठ सांस्कृतिक कार्यक्रम स्वतंत्रता सेनानी सम्मान की जानकारी ली। डीएम डॉक्टर उज्जवल कुमार ने 96वां लाहिड़ी बलिदान दिवस को भव्य बनाने के लिए सीडीओ गौरव कुमार व डीपीआरओ लालजी दुबे को जिम्मेदारी दी है, जिससे जेल प्रशासन का विकास महकमा सहयोग कर रहा है। जेलर शिवप्रताप मिश्र की टीम ने फांसी स्थल की रंगाई पोताई व सफाई कार्य को मुकम्मल कर लिया। वीडियो झंझरी मृत्युंजय ने समाधि स्थल में रंगाई व पौधरोपण कार्य कराकर रमणीक बना दिया। डीएम श्री कुमार ने बताया कि ये कार्यक्रम 15 दिसंबर की शाम से टाउन हॉल में देशभक्ति नृत्य से शुरू होगा। 16 को भजन व परवाही नृत्य होगा। 17 दिसंबर को तिरंगा रैली के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। इसके बाद मंडल कारागार में हवन शांति पाठ व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। निरीक्षण के समय डीएम के साथ सिटी मजिस्ट्रेट अर्पित गुप्ता, डीपीआरओ लालजी दुबे, पीडी चंद्रशेखर तथा जेल प्रशासन मौजूद रहा। दैनिक भास्कर गोंडा से ब्यूरो चीफ हरि नारायण शुक्ला की ये रिपोर्ट। नायक राजेंद्र लाहिड़ी जी को जनपद गोंडा के डिस्ट्रिक्ट जेल में फांसी दी गई थी और यहाँ पे उन्होंने शहादत प्राप्त की थी। उसी के दृष्टिगत और जो भी कारगुरी कांड के महानायक हैं उनके दृष्टिगत शासन ने 15 से 19 तक 5 दिवसीय कार्यक्रम चलाए जाने का निर्देश दिया है। उसी के क्रम में हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं और आज से लेकर 19 तक डिफरेंट प्रोग्राम्स यहाँ पर कराए जाएंगे। 17 को जो मेन प्रोग्राम होगा उसमें जिला जेल में के परिसर में वो प्रोग्राम होता है, उसकी भी तैयारियों की समीक्षा की गई और जो जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार हुआ था ये वो जगह है जहाँ पे आज हम लोग खड़े हैं। तो सभी तैयारियाँ की जा रही है जिससे कि हम लोग इसको एक उत्सव के रूप में मनाएँ और उनके बलिदान को याद करें कि आज़ादी के लिए उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया था, जिससे कि आज के लोग प्रेरणा ले सकें। आपको इसके संबंध में पत्राचार किया जाएगा, उसके बाद आगे की